आसनों की इस सीरीज में आज हम जानेंगे आसनों के राजा यानी किंग ऑफ आसनाज शीर्षासन। शीर्ष शब्द का अर्थ सिर अर्थात हेड होता है। इस आसन में सिर नीचे और पैर ऊपर रहते हैं, इसी कारण इसे शीर्षासन यानी हेड स्टैंड पोज कहा जाता है। सबसे पहले योग मैट पर वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए कोहनियों तक हाथों को जमीन पर दृढ़ता से रखें। आगे झुकते हुए सिर को जमीन पर इस प्रकार रखें कि दोनों हथेलियों का पूरा सहारा मिल जाए। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों पैरों के घुटने को सीधा रखते हुए तलवों को आसमान की तरफ करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए कुछ देर तक स्थिति में रुके रहें। इस दौरान आँखों को अपनी सुविधानुसार खुली या बंद रख सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, प्रारंभ में शीर्षासन का अभ्यास योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। इस आसन को जल्दबाजी झटके एवं अति उत्साह से ना करें। प्रारंभ में सिर के नीचे टोपी नुमा गोल वस्त्र बनाकर रख सकते हैं और दीवार आदि का सहारा भी ले सकते हैं। इस आसन का अभ्यास माइग्रेन, सिरदर्द, वर्टिग्रो, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, आँखों के रोग, कानों के रोग, गर्दन में कमर दर्द, माहवारी, गर्भावस्था, तनाव, अवसाद आदि समस्याओं में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और ताड़ासन का अभ्यास करें और उसके बाद स्वासन में विश्राम करें। इस आसन के अनेक लाभ हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, चर्म रोग ठीक होते हैं तथा त्वचा में निखार आता है। बालों का टूटना झड़ना रुक जाता है। ऐसे में सफेद होना भी रुक जाते हैं बाल। मन एकाग्र होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पाचन संबंधी विकार मिटते हैं तथा भूख खुलकर लगती है। थायराइड, मधुमेह, दमा, बवासीर, टीबी, किडनी के रोग, हर्निया, आंतों के रोग, अंडकोश वृद्धि यानी हाइड्रोशील, गर्भाशय व ओवरी के रोग, पांचपन आदि समस्या में बहुत ही लाभदायक है। शारीरिक एवं मानसिक बल के साथ साथ अतिरिक्त बल बढ़ाने में भी यह सहायक है। यह आसन आध्यात्मिक विकास एवं कुंडली जागरण में भी विशेष उपयोगी माना जाता है। आप सबका धन्यवाद।